बॉलीवुड और कंट्रोवर्सी दोनों का आपस में गहरा नाता है। कभी बॉलीवुड में कोई कलाकार इसका शिकार होता है तो कभी पूरा का पूरा बॉलीवुड ही बहिष्कार का शिकार हो जाता है। लेकिन इस बार कंट्रोवर्सी हुई है अजय देवगन की आने वाली फिल्म थैंक गॉड को लेकर। यह फिल्म इस साल दिवाली पर 25 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। फिल्म का ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है। दरअसल कंट्रोवर्सी ट्रेलर के लॉन्च होने के साथ ही शुरू हुई है। ट्रेलर में अजय देवगन चित्रगुप्त की भूमिका में दिख रहे हैं और फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे सिद्धार्थ मल्होत्रा एक सीन में चित्रगुप्त के स्वरूप का कॉलर पकड़ लेते हैं। पूरा विवाद सीन को लेकर हो रहा है। आज इसी को लेकर फिरोजाबाद में भी विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोध दर्ज किया गया, जिसमें अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री विश्वविमोहन कुलश्रेष्ठ और जिला अध्यक्ष डॉक्टर मयंक भटनागर ने लोगों से अपील की कि वे इस फिल्म का पूर्णतः बहिष्कार करें। इसके साथ ही ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश शर्मा ने भी बॉलीवुड पर रोष व्यक्त करते हुए कहा कि बॉलीवुड केवल सनातन धर्म को ही लोकप्रियता पाने के लिए टारगेट करता है। ऐसे बॉलीवुड का और इनकी फिल्मों का हमें बहिष्कार करना चाहिए। देखिए, मैं विश्वविमोहन कुलश्रेष्ठ, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय कायस्थ। इस सीरीज और मारुति इंटरनेशनल बैनर के तहत अभी एक थैंक गॉड पिक्चर का ट्रेलर रिलीज हुआ है और ये पिक्चर 25 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। उसमें हमारे सनातन धर्म के सभी संपूर्ण समाज के एकमात्र मान्य भगवान चित्रगुप्त जी, जो कि पूरी सृष्टि का लेखा जोखा रखते हैं और एक न्याय ब्रह्म कहलाते हैं, उनका उपहास किया गया है। उन अजय देवगन द्वारा ये अभिनीत है और अजय देवगन उसमें भगवान चित्रगुप्त जी का रोल कर रहे हैं, तो वे इतना भद्दा रोल कर रहे हैं जिस पर संपूर्ण समाज में आक्रोश है और ये अपमान का प्रदर्शन है, सूचक है। उन्होंने हमारे आराध्य को बकायदा इतना कुहड़पन प्रदर्शित किया और उसके बाद एक व्यक्ति उनका गला पकड़ के घसीटता हुआ दिखाया है। मात्र 2 या 3 मिनट के ट्रेलर में जब हमारे आराध्य को इतना अपमानित किया गया है, तो आप सोचिए जब संपूर्ण फिल्म 25 अगस्त को रिलीज होगी, 25 अक्टूबर को रिलीज होगी, तो पूरे देश के अंदर कायस्थ समाज का क्या हाल होगा, कितना रोष होगा। क्योंकि ये देखकर ही हम सबके रोंगटे खड़े हैं, हम सबके अंदर इतना आक्रोश है। एक ऐसी कड़ी हम प्रतिक्रिया दें कि इनके हौसले टूट जाएं, कि ये किसी भी सनातनी धर्म के हमारे आराध्य को गलत प्रदर्शित कर सके। हम लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है और ये आक्रोश सिर्फ कायस्थ समाज का नहीं है, ये इसमें ब्राह्मण समाज और जितने भी और सनातनी समाज हैं। आपके सामने उत्तर प्रदेश ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष माननीय अखिलेश शर्मा जी यहाँ मौजूद हैं। परशुराम जयंती जो निकाली गई उसके अध्यक्ष सौरभ लहरी जी मौजूद हैं और हमारे कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री जो हम सबके मार्गदर्शक हैं श्री विश्वमोहन कुलश्रेष्ठ जी यहाँ मौजूद हैं, विवेक माथुर जी और जितने हमारे फिरोजाबाद के पूरे कायस्थ महासभा के लोग यहाँ मौजूद हैं। जिस तरह सस्ती लोकप्रियता को पाने के लिए आजकल जो है बॉलीवुड पूरी तरह से सनातन धर्म को बदनाम करने में लगा है और ये कई साल से चल रहा है कि जहाँ पर भी सनातन धर्म का मजाक बनाया जाता है, देवी देवताओं को अपमानित किया जाता है और अपमानित होते हुए दिखाया जाता है। इसी तारतम्य में आज जो है ये देखा गया है कि भगवान चित्रगुप्त जो हम सबके आराध्य हैं, सनातन धर्म के जितने भी अनुयायी हैं, उन सब में इस ट्रेलर को देख करके, ये चित्र देख करके बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, बहुत ज़्यादा वेदना है। और मैं ये कहता हूँ कि ये सेंसर बोर्ड क्यों किस तरह से रिलीज कर देता है, ये भारत, हमारा भारत जो है एक धार्मिक देश है, यहाँ पर हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, इसका प्रतीक हमारा देश है, लेकिन उसकी भावनाओं को आहत करते हुए चंद धर्म विरोधी लोग अपना चंद पैसों की कमाई के लिए धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं। और जिस तरह से हमारे मयंक जी ने भी बताया और मैं भी ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि मैं जो है ब्राह्मण महासभा उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और हर ज़िले में इसका विरोध होगा। अगर आसानी से इसको नहीं रोका जाता है तो फरसा उठाने में भी हम लोगों को समय नहीं लगेगा। हमारे परशुराम जयंती अध्यक्ष सौरभ लहरी जी भी मौजूद हैं और सभी समाज के लोग इसमें, जितने भी सनातन धर्म के अनुयायी हैं, सब एक साथ हैं। पूरे प्रदेश में और पूरे भारत में फरसा उठाने का काम किया जाएगा। अगर इनको नहीं काटा जाता है तो इस तरह के रचने वालों के हाथ काटने का काम हम लोग करेंगे। धर्म का
विरोध नहीं बर्दाश्त करेंगे, भगवान का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और लगातार इस तरह के अनुयायियों को सबक सिखाने का काम करेंगे।